वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार तीन बड़े धमाके, हरियाणा सरकार तीन बड़ी घोषणा, मोदी सरकार बड़ा तोहफा, हरियाणा सरकार बड़े तोहफा। विस्तार पूर्वक संवाद और चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरे गए, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, या तो भाई जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो देखना। मैं बड़ी खुशखबरी बड़ा तोहफा जो है यहाँ नायब श्रेणी मोदी जी ने दोनों ने मिलकर दिया है। सबसे पहले नायब श्रेणी का तोहफा आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है भाई साथियों। सबसे पहले ये तोहफा आप देखिए, हरियाणा में प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी की जितनी भी त्रुटियां हैं जिला स्तर पर अब ठीक होंगी, ठीक है। सीएम ने मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ बनवा दिया है, यानी मुख्यमंत्री ने अपने घर के अंदर समाधान प्रकोष्ठ बनवा दिया है जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर। साथियों 14 तारीख से दो इन्होंने जो है अब चुनाव जो हार इनका हुआ है, 5-5 सीट आई है, कहाँ 10-0 था कहाँ 5-5 आ गया, और सरकार की विधानसभा में जाते हुए सरकार को दिख रहा है कि हम हारेंगे, तो इसलिए सरकार ने पूरा ताकत झोंक दिया है। सुबह 9 से 11 तो डीसी और एसपी का हुआ है, ठीक है, वो मैंने कल ही आपको दिखा दिया था। सुबह 9 से 11 आपकी फैमिली आईडी या प्रॉपर्टी आईडी में कोई भी दिक्कत है तो आप वहां से करवा सकते हो। दूसरा 14 जून से गांव गांव कैंप लगाने का ऐलान जो है नायब सैनी ने कर दिया है, यानी 14 जून से फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, आवास हो की रजिस्ट्री हो, प्लाट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो भाई सारी की सारी दिक्कत आपकी सही होंगी। कल सुबह जो है खुद नायब सैनी ने भी जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो है 2 घंटा फैमिली आईडी को दिया, तो भाई फैमिली आईडी के कारण जनता परेशान है और ये बहुत बड़ा तोहफा ये हो जाता है साथियों। ये बड़ा तोहफा इसलिए हो जाता है, फैमिली आईडी की समस्या किसी जो है उससे झंझट से कम नहीं है, वो झंझट खत्म हो रही थी, बड़ा तोहफा आपके लिए है। तो भाई 9 से 11 तक, ठीक है भाई, कोई भी जिला और उपमंडल स्तर पर सुबह 9 से 11 बजे तक जो है कैंप लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस यानी डेली भाई 15 सितंबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी, 15 सितंबर तक जो है आपका डेली जो है कैंप लगेंगे, और इन कैंपों में भाई किसी का बीपीएल नहीं बना बीपीएल बनाना, किसी को फैमिली आईडी अलग करवानी हो, किसी को फैमिली आईडी में इनकम कम करवाना हो, किसी को फैमिली आईडी में जो मेंबर का कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आपको फैमिली आईडी के अंदर आ रहा है आपका तुरंत समाधान होगा। प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी की त्रुटियों को दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो फैमिली आईडी से जो वो जो है उसके अंदर सुनिए, ठीक है, 31 अगस्त तक जो जितनी भी सड़क है उनकी मरम्मत व सप्ताह में टेंडर निकालने के आदेश भी उन्होंने जारी कर दिया है। अब भाई दो बड़े तोहफे आपको दिखा देता हूँ, बड़ा तोहफा मोदी ने दे दिया, सरकार ने दे दिया। भाई 3 करोड़ घरों का ऐलान जो है मोदी जी ने कर दिया है, 3 करोड़ नए घर का ऐलान मोदी जी ने कर दिया है। मोदी सरकार 3.0 आप सभी को पता है, तीसरी पारी के पहले ही कामकाजी दिन में 3.0 यानी कल शुरू हुआ था पहला कामकाजी दिन, ठीक है, तो उसी में 3 करोड़, 2 करोड़ ग्रामीणों को, 1 करोड़ शहरियों को मकान देने का ऐलान कर दिया है। साथियों इसके अलावा इनमें शौचालय भी मिलेगा इन मकानों में, इनमें बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, इनमें नल से जल भी मिलेगा, और इनमें LPG कनेक्शन भी आपको दिया जाएगा। साथियों 1 लाख हरियाणा के हिस्से में ये मकान आए हैं, और नायब ने कल ही ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि भाई जल्द हम इसके लिए फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्म आपको भरवाना शुरू कर देना है। दूसरा बड़ा तोहफा, पहला काम मोदी ने किसानों की जो 17वीं किस्त है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसकी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब किसी भी दिन किसी भी समय आपकी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त आपके खाते में डाली जा सकती है, किसी भी दिन भाई किसी भी दिन पैसा रिलीज कर दिया, फाइल पर साइन कर दिया, ठीक है, अभी बैंकों के पास जाएगा, बैंक इसे नेफ्ट के माध्यम से आपके बैंक उसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर मोदी एक दिन बटन दबाएगा और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो भाई देखो पहला काम किसानों की सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, 20 हज़ार करोड़ रुपये 9.3 करोड़ किसानों को देने का वो किया है 17वीं किस्त में, ठीक है, सालाना 6,000 रुपये इसके दौरान दिए जाते हैं। तो दो तोहफा हो गया, तीसरा तोहफा फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी का हो गया, चौथा ये हो गया भाई कृषि के लिए 15 जून के बाद जो है बिजली की आपूर्ति का शेड्यूल बदलेगा, हर साल बढ़ रही 1000 मेगावाट की मांग, उद्योगों को रात में चलाने के लिए कह रहे हैं CS,
1400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद की तैयारियों में जुटी सरकार। हरियाणा को जो है भाई कहाँ से कितनी बिजली मिल रही है, अडानी पावर कितना मिल रहा है, ये सारा का सारा है। तो भाई 15 जून के बाद जो है शेड्यूल जो है बदलेगा साथियों, हरियाणा सरकार जो है शेड्यूल बदलने जा रही है 15 जून के बाद। कृषि के लिए किस टाइम से किस टाइम लाइट आएगी वो पूरा पूरा जैसे ही बदलेगा वो भी हम आपको देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।